पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत रावण सरीखे कौन गिणे, अश गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर ना ही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने, इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना के चाहिए था, और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा, चाहे कितने कुबद कुमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा, और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े कर्म बिगाड़े थे, वह ज्यों के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है, इतना विवेक नहीं रखते ये लोग, नर ना ही ये पाषाण, जिनके इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए, पाप कर्मों का ज़्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता, और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, ठीक है अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहाँ से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे, आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को।